हाय फ्रेंड, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं वीरेंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा चीज़ के बारे में, यदि आप एक यूट्यूबर है तो फ्रेंड आपको जानना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड ये एक ऐसा चीज़ है जो कि फ्रेंड आपको एक दिन नहीं, फ्रेंड आपका लाइफ टाइम में काम आने वाला चीज़ है। तो फ्रेंड वो है डिस्क्रिप्शन। जी हाँ फ्रेंड, आपको मालूम होगा यूट्यूब वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन लिखने में आपको बहुत टाइम की जरूरत पड़ता है, तब जाके फ्रेंड एक अच्छा सा आप डिस्क्रिप्शन लिख पाते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कम समय में अपना हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। अभी आप अपना यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे तो फ्रेंड वहां पर आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, यदि आपके पास कम समय है और फ्रेंड आप अपना डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिख पाते हैं तो फ्रेंड मैं एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा जहाँ पर फ्रेंड आप सेटिंग कर देते हैं तो फ्रेंड आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि फ्रेंड आपको पता होगा ही कि मेरा हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन लगभग एक जैसे ही होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मैं रोज डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता हूँ। मैं फ्रेंड यूट्यूब चैनल के अंदर में एक सेटिंग कर दिया हूँ जिसमें फ्रेंड मैं जब भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ तो फ्रेंड मुझे वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है और फ्रेंड जो डिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम होता है फ्रेंड वो मेरा बिल्कुल ही बच जाता है। यदि फ्रेंड आप भी अपना डिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम जो है वो बचाना चाहते हैं तो फ्रेंड बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख का टाइम को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि फ्रेंड आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड आप इसे कर दीजिए लाइक, और फ्रेंड आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें एक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, तो फ्रेंड उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको किसी भी एक वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी फ्रेंड वीडियो में आपको सिलेक्ट करना है। वीडियो में सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर कलम का आइकन देखेंगे, कलम का आइकन में क्लिक कर देना है। कलम का आइकन में क्लिक करते ही फ्रेंड यहाँ पर आपको आपका वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आप फ्रेंड डिस्क्रिप्शन जहाँ पर लिखते हैं वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको एक अलग सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा जो कि हर वीडियो में सेट होना चाहिए, उसी तरह से फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। यदि फ्रेंड आप अपना वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट लिखने नहीं जानते हैं तो फ्रेंड मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है फ्रेंड, और उस वीडियो में मैंने बताया है कि यूट्यूब वीडियो में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट कैसे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रेंड मैंने उस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताया है। तो फ्रेंड इस वीडियो के नीचे फ्रेंड उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर उसे देख लें। तो फ्रेंड आपको एक अलग डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना पड़ेगा सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले अपना जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जहाँ पर आप अपना वीडियो के बारे में आप बताते हैं, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर अबाउट दिस वीडियो, जी हाँ फ्रेंड इस वीडियो में आपने क्या क्या बताया है वहाँ पर फ्रेंड आपको कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड मैंने अबाउट दिस वीडियो लिख के यहाँ पर छोड़ दिया है, और फ्रेंड जो भी वीडियो अपलोड करूँगा फ्रेंड उस वीडियो का यहाँ पर मैं लिख दूंगा। कि यदि अलग से आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं तो फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके लिए और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, जैसे कि सारा कुछ आपको देना है। यहाँ पर फ्रेंड हैज देख रखा है मैंने, क्योंकि फ्रेंड मैं हैज लगाने वाला हूँ इसीलिए फ्रेंड दे दिया हूँ। उसके बाद सारा कुछ यहाँ पर लिखना है, और फ्रेंड सिंपली आपको कुछ कॉपी या कट कर लेना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ क्योंकि फ्रेंड मुझे इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन को हटाना है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं सेव में क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड कम्प्लीटली मेरा जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड मैंने कॉपी कर लिया है लिख के। उसके बाद फ्रेंड हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको youtube.com लिख के फ्रेंड अपना यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको अपना यूट्यूब चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक कर देना है। लोगों के ऊपर क्लिक करते ही फ्रेंड इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड योर चैनल का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको योर चैनल में क्लिक करना है। योर चैनल में क्लिक करते ही फ्रेंड आप आ जाएंगे अपना चैनल में। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो कस्टमाइज नहीं है, तो फ्रेंड मैं यहाँ पर कस्टमाइज चैनल में क्लिक कर देता हूँ। कस्टमाइज चैनल में क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो कस्टमाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड ये है क्रिएटर स्टूडियो, हमें चलना है फ्रेंड यूट्यूब स्टूडियो में। तो फ्रेंड उसके लिए फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल के लोगों में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन दिखा देगा, सिंपली आपको यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक कर देना है। यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करते ही फ्रेंड यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल फ्रेंड यूट्यूब स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं
यह है फ्रेंड यूट्यूब स्टूडियो का चैनल डैशबोर्ड, इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर नीचे की ओर मैं आता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेटिंग्स का ऑप्शन। सिंपली फ्रेंड आपको सेटिंग्स में क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम सेटिंग के पेज में ही है। यहाँ पर फ्रेंड आपको थर्ड नंबर में दिखाई देगा अपलोड डिफॉल्ट। सिंपली आपको अपलोड डिफॉल्ट में क्लिक कर देना है। अपलोड डिफॉल्ट में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक इन्फो और एक एडवांस सेटिंग। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक इन्फो में ही रहने देना है। और फ्रेंड यहाँ पर सबसे ऊपर में देखेंगे तो टाइटल, उसके नीचे है फ्रेंड डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर यदि आप टाइटल लिखते हैं तो फ्रेंड वो ऑटोमेटिकली जब भी आप वीडियो यूट्यूब में अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली लिखा जाए वहाँ पर। फ्रेंड आपको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर वीडियो का टाइटल जो है फ्रेंड वो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड आप हर बार अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो फ्रेंड एक टाइटल वहाँ पर नहीं चलेगा। और फ्रेंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको लिखना है। तो फ्रेंड यहाँ पर लिख के आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो भी लिखना है यहाँ पर लिख देना है। तो फ्रेंड मैं पहले से कॉपी किया हूँ तो फ्रेंड मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर सारा जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा तो फ्रेंड वो सारा कुछ आ गया। उसके बाद फ्रेंड सिंपली यहाँ पर राइट साइड में आएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको सेव में क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप सेव में क्लिक करेंगे फ्रेंड आपका जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड वो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आप अपना यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम जो है वो आप बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से जरूर आपको यूजफुल जानकारी मिली है, और मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।